हेलो दोस्तों, पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चवला दाल के पकोड़े, जिसे लोबिया दाल भी कहते हैं, जो बहुत कुरकुरे बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें इसे बनाने में आवश्यकता होगी। ये हमने यहाँ पर 1.5 कप चवला दाल ली है। ये सूखी हुई दाल है, इसे हमने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। इसे भिगोने में हमने कम से कम 7 से 8 कप पानी डाला था और 4-5 घंटे बाद हमने पानी अलग कर लिया है और दाल काफ़ी अच्छे से फूल के तैयार हो गई। 1 कप हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने अजवाइन लिए, 2 चुटकी हींग लिए, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया क्रश करके लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें, 1 टीस्पून हमने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने कद्दूकस किया है, 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, 3 से 4 मध्यम आकार के प्याज को काट लिया है। चवला दाल को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसे में हमने 1/2 कप पानी डाला है और 2 से 3 मिनट तक इसे हमें फेंटना है। फिर सभी सामग्री को हम इसमें मिला लेंगे। लेना है इसमें अच्छी तरह से। नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें एडजस्ट करें। हमें तेल गरम कर लेना है। यहाँ पे हमारा तेल काफी अच्छे से गर्म हो गया है और मध्यम आंच पर हम इन पकौड़ों को तलेंगे। पकौड़ों को हमें अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक और कुरकुरा होने तक तलना है। अच्छी तरह से जब सुनहरे या गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारे पकोड़े, तब इन्हें निकाल लें। पकोड़ों पर अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इन्हें खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें। दही भी चाहें आप तो उसका उपयोग कर सकते हैं।